लुधियाना दे थाना मोती नगर अधीन पेंदे इलाके विच लुट खो करन वाले कुछ व्यक्तियों नूं लोकां ने मौके ते ही दबोचा, जिन्हां वल्लों तेज धार हथियारां दी नोक ते प्रवासियों नाल लुट खो दी वारदात नूं अंजाम दित्ता जांदा सी। हैरानी उदों हुई जदों इन्हां लुटेरियां दी पहचान एक पुलिस कांस्टेबल दे रूप विच होई, जो कि वर्दी पहन के लुटेरियां दे ग्रोह विच शामिल सी ते ग्रोह बिना के वारदात नूं अंजाम दिंदे सन। इन्हां वल्लों इलाके विच तीन वारदात नूं अंजाम दिता गया सी। लोकां ने मौके ते फड़ के पहला इन्हां दा कटापा चाढ़िया ते फिर पुलिस हवाले कर दिता। पुलिस वल्लों मामला दर्ज कर कोर्ट विच पेशी कर बनदी कार्रवाई की गल कही गई है। इस मामले की जाँच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने इलाके विच लोकां वल्लों लुट खोह होण दी वारदात करन वाले कुछ व्यक्तियों नूं मौके ते फड़िया गया सी, जिन्हां विच्चों एक कांस्टेबल सी, उसने वर्दी पाई हुई सी। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि होर कांस्टेबल भी इन्हों का साथी सी जो मौके तो फरार हो गया। इसकी गिरफ्तारी लिए छापेमारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज करके जो अगलेरी कार्रवाई वो अमल के लिया जाएगी। कल थाना मोती नगर के ध्यान एक मामला आया कि कुछ लड़कियों का गिरोह है जो कि आम पब्लिक के लुटा खुआ करते हैं। जब मामले की पड़ताल की तो यह फैक्ट सामने आए कि एक कांस्टेबल इंद्रजीत जो कि सरकड़ा हाउस तैनात है, इसनू करण कुमार है जो कि जमालपुर का रहने वाला है, ताजपुर रोड वाल, इसनू पब्लिक ने डिटेन किया है। ये अपने साथियों के नाल लुटा खुआ कर रहा है। जब उत्थे मौके पर पहुँच के पड़ताल की जो कंप्लेनेंट्स नाल दरियाफ्त करके तो इन्हों तो पूछगिछ करन तो यह गल रिवील हुई कि कॉन्स्टेबल इंद्रजीत सरकड़ा हाउस, कॉन्स्टेबल मनजीत सिंह वो भी सरकड़ा हाउस तैनात है गार्ड ड्यूटी पर, एक करण कुमार है जो कि इंदिरा कलोनी ताजपुर का, तो प्रिंस कुमार है जो कि जमालपुर पुलिस कलोनी का रहने वाला है, तो प्रिंस तो करण कुमार जो कि एक प्राइवेट बंदे ने, इस अलावा तो तीन अणपछाते बंदे होर जो कि इंद्रजीत के नोन चीज़ रूटीन वाइज वो उठते बैठते सी, पर उन्होंने उसका नाम नहीं पता, कच्चा नाम बिल्ला पता वै उन्होंने बारे हजे फे वेयरबाउट्स वेरीफाई कर रहे हैं। ये सत्तों जाने की करते सी रूटीन वाइज ये लाइना के कंडे जोड़े प्रवासी मजदूर जाते थे उन्होंने शार्प एज वैपन दातर टाइप दिखा के उन्होंने लुटा खुआ करते। इन्होंने कल करीब तीन इंसीडेंट नंजाम दिता। उपिंदर यादव जो कि एक लेबर क्लास बंदा सी, उसनू शार्प एज वैपन से फोर्सफुली उस पासों असॉल्ट करके 500 रुपया तो मोबाइल खो किया, तो एक पंकज चौधरी तो धनराज चौधरी है उसनू फोर्सफुली वैपन दिखा के उन्हों तो भी मोबाइल तो पैसे की खो की सी। जो ये इंसीडेंट होने तो बाद उ रौला पैन तो इंद्रजीत तो करण कुमार पब्लिक ने डिटेन किया, तो पब्लिक ने डिटेन तो बाद वेरीफाई करने तो बाद एक प्रिंस कुमार के लड़के ने भी इसी मुकदमे अरैसट किया। खो का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, खो तो क्रिमिनल कॉन्सपीरेसी का, तो सत्तों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो इस अलावा ये भी गल सामने आई है कि ये सारे माड़ी संगत के बंदे सी, तो पैसों के करके इन्होंने यह सारी वारदात अंजाम दिता है, तो फरदर इन्वेस्टिगेशन जा रही है। ये इन्होंने हजे डोप टेस्ट करावे क्लीयर होएगा कि यह हजे तीन वारदात क्लीयर हुई हैं, हजे होर पूछगिछ जा रही है, रिमांड लैन गए ने, रिमांड लैन तो बाद अगली कार्रवाई मचे। एक लड़का कल वर्दी के तो कॉन्स्टेबल मनजीत बारे हजे मैं क्लीयर नहीं कि वर्दी सी कि नहीं, क्योंकि वो अरैसट नहीं होया, एब्सकॉन्डेड है, तो बाकी पड़ताल तो बाद क्लीयर होएगा।